हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा बिस्वा मेघालय शिलोंग से आप सभी दोस्तों को वेलकम करती हूं मेरी चैनल इन्फिनिट ग्रीन में। फ्रेंड्स, आज मैं एक खूबसूरत सी सकुलेंट पर्ल इचिबिरिया के बारे में बताने आई हूं। ओके फ्रेंड्स, ये पर्ल इचिबिरिया एक छोटा सा यूनो गुलाब की तरह देखने वाला सन लविंग सकुलेंट है और ये एक खूबसूरत सकुलेंट में से एक है। ओके इसके ग्रोथ 30 सेंटीमीटर तक होती है। फ्रेंड्स, जितना धूप इसे मिले और उतना ही गहरा इसका रंग होते हैं। ओके और फ्रेंड्स, इचिबिरिया के ढेर सारे यूनो वैरायटी होती है। अभी मेरे पास ये ग्रे कलर की वैरायटी है और इसे वो इस कलर की वैरायटी को बोलते हैं पर्ल इचिबिरिया। ओके और ये पर्ल इचिबिरिया एक सन लविंग प्लांट है। ओके और इसे अगर इंडोर पे रखा जाए तो ख्याल रखिए कि इसे ढेर सारा सूरज की धूप मिले। फ्रेंड्स, ये पर्ल इचिबिरिया अगर पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसकी जो गुलाब की आकार के जो इसके पंख इसके पैलेट है ये यूनो रोसेट की तरह इसमें ढीलापन आएगी और ये मुरझाना शुरू होते हैं। और इसको हमेशा याद रखें कि पर्ल इचिबिरिया को सनलाइट बहुत पसंद है और इसे इसकी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए प्राय 6 घंटे की धूप चाहिए होता है। ओके और फ्रेंड्स, कि ये पर्ल इचिबिरिया की पत्ते यूनो गिरने शुरू होती हैं अगर इसे कम रोशनी में रखा जाए तो, इसलिए ध्यान रखें कि इसे कम से कम 6 घंटे की धूप मिले। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम धूप के का मिलने के कारण इसकी स्टेम जो इसकी पतली डंडी लंबी हो जाती है और ज़्यादा बड़े होने लगते हैं जो अच्छा नहीं लगता। यू नो इचिबिरिया तब खूबसूरत लगते हैं जब ये मोटा घना रहता है। ओके ओके फ्रेंड्स, सॉइल की बात करें तो पर्ल इचिबिरिया को यू नो एक्सीलेंट ड्रेनेज आवश्यक होती है, इसलिए इसे पॉटिंग मिक्स को तैयार करें जहाँ कभी भी पानी की ठहराव नहीं हो। और फ्रेंड्स, पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसे अच्छी क्वालिटी के यूनो सकुलेंट पॉटिंग मिक्स अमेजन से ऑर्डर किया जा सकता है। और अगर घर में बनाने की पॉटिंग सोल बनाने की बात करें तो ठीक लगती है, तो ध्यान रखें कि पर्ल इचिबिरिया की पॉटिंग मिक्स में कोई भी सॉइल या मिट्टी को ना मिलाएं। ओके क्योंकि अर्थ या मिट्टी में कभी कभी फंगस आ जाते हैं और सकुलेंट को यू नो जड़ से गल जाना फिर पत्ते गल जाना ये सब ज़्यादातर फंगस के कारण ही होता है। ओके और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पर्ल इचिबिरिया सकुलेंट को यू नो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है और पॉटिंग मिक्स हल्का कम वजनदार हो तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं। सकुलेंट या इचिबिरिया सकुलेंट को पॉटिंग सेल बनाने के लिए रिवर्सन 40%, कोकोपीट 20%, परलाइट 20%, चारकोल ग्रेनुअल्स 10%, लीप कंपोस्ट 10%, बोन मिल 5% एंड नीम केक 1 TSP मिला के इसकी सॉइल को तैयारी करें। और ध्यान रहे रखें कि मिट्टी को कभी ना मिलाएं। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग इचे भी इंग्रेडिएंट्स से पॉटिंग सॉइल मिक्स को बनाएंगे सकुलेंट के लिए या इचिबिरिया प्लांट के लिए, और इसमें ही इचिबिरिया प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। और ध्यान रहे कि सॉइल को कभी ना मिलाएं। ओके फ्रेंड्स, अब वाटरिंग के बारे में बात करते हैं। ओके पानी तब दे जब ऊपर की सतह यानी कि सरफेस सूखा बन जाए। ओके पर्ल इचिबिरिया पानी देने में एक टिपिकल मेथड होती है जैसे कि कोई और दूसरे सकुलेंट की पानी देने की सिस्टम से कुछ अलग। ओके और फ्रेंड्स, पानी देने के सिस्टम से ही ये इचिबिरिया पर्ल इचिबिरिया हेल्दी और भूसी खाना सा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक एल्यूमिनियम केटल है तो उस केटल से मैं पानी को डालती हूँ और पानी में सीधे फ्लावर के ये इचिबिरिया रोसेट के ऊपर या इसके पत्ते के ऊपर इसके टहनी के ऊपर मैं नहीं डालती। मैं इस केटल से तो सीधी इसकी जो एक मिट्टी के ऊपर में वहाँ डालती हूँ, केटल को ले जाती हूँ और मिट्टी के ऊपर में
धीरे धीरे से पानी, ज़्यादा नहीं थोड़े से मात्रा में मैं इसके पानी डालती हूँ, क्योंकि ये सकुलेंट रॉट होने के कारण यही पानी की वजह से है, ओवर वाटरिंग की वजह से है, और पानी की वजह से ही ये सकुलेंट अच्छी तरह रहता है और पानी ज़्यादा होने से ये गल जाता है और या ख़राब हो जाता है। ओके, और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की बात करें तो ऑयल इचेबेरिया को इतनी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अगर हमें इचेबेरिया को लाश यानी कि रसीला भरा भरा सा रहे और सुंदर बनाना है तो खाद की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि NPK 15:15, वाटर सोल्यूबल, आधी चम्मच से भी कम मात्रा में एनपी को लेकर 1 ग्लास पानी के साथ मिलाकर पतला बनाकर इसे सॉइल मिक्स के ऊपर के हिस्से में डालें और ये अच्छी होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इचेबेरिया सकुलेंट लीव्स को कैसे साफ करें। ओके, कभी कभी पर्ल इचेबेरिया सकुलेंट में मैला जम जाते हैं। ओके, हवा की वजह से, तो इसलिए मैं 2 चीज़ों की टूल किट को यूज़ करती हूँ, वो है ट्वीज़र और सॉफ्ट मेकअप ब्रश। ट्वीज़र से कभी कभी पार्टिकल जो पत्ते के ऊपर में गिरते हैं तो वो मैं अगर हाथ से निकालूँ तो मेरे नेल से वो पत्ते ख़राब होते हैं, इसलिए ट्वीज़र की मदद से उसको उठा सकते हैं। और मेकअप ब्रश से, जो सॉफ्ट वाली मेकअप ब्रश होती है, उससे पत्ते में जितने भी मैले जमे हैं वो अच्छी तरह से हल्के हाथों से ब्रश से ब्रश करके निकाल सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह हल्के से निकल जाएगा और इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ओके, और फ्रेंड्स कभी कभी ग्रीन टी भी डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि ग्रीन टी को पीने के बाद इसके जो लीफ बच जाते हैं उसको अच्छी तरह सुखा के फिर उसको, उस ग्रीन टी को हम लोग पर्ल इचेबेरिया के सॉइल में डाल सकते हैं, पर अच्छी तरह सूखा होना चाहिए। फ्रेंड्स ये पर्ल इचेबेरिया सकुलेंट जिस तरफ लाइट होती है उसी तरफ की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए इसको सुडोली या सेपली रखने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार इसे एक तरफा मोड़ा करें। ओके, और फ्रेंड्स जब ये लंबा होने लगता है तो इसके निचले हिस्से के पत्ते मुरझाने लगते हैं। ओके, और इस मुरझाए हुए पत्ते को निकाल दिया करें और ऐसा करने से पर्ल इचेबेरिया प्लांट अच्छा रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पर्ल इचेबेरिया ग्रो करने लगते हैं तो ये कुछ इसके टहनी के साथ लंबे से बन जाती है, पर इसकी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए केवल इसके ऊपर के हिस्से को कटौती करनी चाहिए कि इसके ऊपर के हिस्से में फिर से जड़ जमना शुरू हो जाए। और कटा हुआ वो जो हम जो कट ऊपर की तरह रोसेट को काट कर दिया था उसको फिर उसी रोसेट को ऊपर के हिस्से को फिर से ग्रो किया जा सकता है और ये फिर से ग्रो पहले की तरह फिर से हेल्दी और मोटा सा अच्छी तरह से ये ग्रो कर जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे तो इचेबेरिया पर्ल इचेबेरिया को फंगा पेस्ट की इतनी अटैक्स नहीं होती है, फिर भी इचेबेरिया को कभी कभी बैक्टीरियल या फंगल की परेशानी होती है, ये सिर्फ ज़्यादा पानी डालने की वजह से ही होता है। ओके, सबसे अधिक साधारण पेस्ट में से है जैसे कि रूट मेलीबाग्स होते हैं ज़्यादा पानी डालने के वजह से, इसलिए सभी गला हुआ पत्ते को फेंक देना चाहिए और तभी कि पेस्ट ब्रीड ना कर सके। ओके, और फ्रेंड्स और हाँ, कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने भी सकुलेंट है मैं टर्मरिक पाउडर को उसके सॉइल में, ओके, उसके पर उसके पत्ते में और टहनी में नहीं, सिर्फ उसके ऊपर के हिस्से के सॉइल में कभी कभी मैं टर्मरिक पाउडर को स्प्रिंकल करती हूँ। और यही सब है फ्रेंड्स, और हमारे सकुलेंट को हम लोग ड्राई, जितनी ड्राई रखेंगे उतने हमारे सकुलेंट हेल्दी और फ्लैसी रहेंगे। और फ्रेंड्स
और फ्रेंड्स, सकुलेंट को ग्रो करने के लिए बड़ा वाला पॉट कभी भी ना लें। ज़्यादातर ज़्यादा 3 से 4 इंच तक के पॉट होने से ठीक होती है, और ये 3 इंच और 4 इंच के पॉट में अच्छी तरह ग्रो करता है, क्योंकि सकुलेंट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। ओके, एनीवे फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ like, share, comment as well as subscribe to get notified when I post a new video. Till then, take care, stay safe. Bye bye.